टीचर अंशदा जी और इसमें समस्त अतिथियों समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिवादन के साथ ये पहले क्वार्टर फाइनल का हाल हम बताने जा रहे हैं। पहले ही रेट पर धराशाय कर दिया है विपक्ष टीम को मधुबन भोजन के खिलाड़ियों ने। पहला अंक पहले ही रेट पर टेकल के माध्यम से प्राप्त करते हुए, जबकि सूरज रेट पर अपनी टीम के लिए ये पहला रेट करते हुए 7-2 के रेट से ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल नंबर 1। दोनों ही मजबूत टीमें अमित सिद्धार्थ छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी, हालांकि रुद्रराज खिलाड़ी पर अपने गांव की लड़कों को बहुत ही बढ़िया उन्होंने सिखा दिया है कबड्डी और 2 अंकों के साथ शुरुआत करी। 2-1 की बढ़त बनी नवा परमान के लिए, मधुबन खुर्द के लिए उनके सबसे अच्छे रेडर सूरज। और जैसा कि जानते हैं ये एक परिवार की टीम है, निश्चित रूप से कॉम्बिनेशन गजब का रहता है इन खिलाड़ियों में और इस खेल के माध्यम से इन खिलाड़ियों ने पूरे अंचल में एक ख्याति प्राप्त कर ली है। जब भी कबड्डी होगा कहीं पर भी इनको इनके एक परिवार के खिलाड़ी टीम के रूप में जानते हैं और याद करेंगे वर्षों तक। 2-1 की बढ़त पर नवा परमान, राजू रेडर एक 2 का स्कोर। देर रात होने वाले इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में दोनों ही टीमें पूरी तरह से जोर लगा रही हैं। ये खेल भावना का परिचय मेरे ख्याल से दोनों ही दल के खिलाड़ियों ने दिया, लेकिन इसमें चकमा देते हुए रेडर ने मुख्य खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है। 2-2 की बराबरी पर अपनी टीम को लेके आए। राजू ने यह अंक प्राप्त किया अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर टीकल कामयाब होता हुआ 3 अंक मधुबन खुर्द के लिए, 1 अंक की बढ़त अब मधुबन खुर्द के नाम। सूरज रेडर पांच खिलाड़ी मैदान पर, 9 परमान टीम के। मुकाबला चल रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 1 मधुबन खुर्द और नवा परमान टीमों के बीच। 3-2 की बढ़त पर मधुबन खुर्द की टीम। अतिथियों से भरा हुआ हमारा ये मंच सुशोभित हो रहा है और खिलाड़ियों का खेल भी उतना ही मोहक आकर्षक। अट्ठाईसवें वर्ष के इस आयोजन में दूर दराज के खिलाड़ियों का दुआ डायरेक्ट निश्चित रूप से यहाँ पर अंक बनाना आवश्यक रेडर के लिए। और इसी के साथ बढ़ा और यहाँ पर दुआ डायरेक्ट करते हुए नवा परमान के खिलाड़ी और यहाँ पर मौका का पूरा फायदा उठाते हुए हेमराज
बैकहोल्ड पर गए और सफलता जीत की, टेकल करने में कामयाबी पाई और इस तरह से ये अंक मिला मधुबन कोटे की टीम को 5वां अंक। नव परमाण दो अंकों पर पिछड़ रही है फिलहाल शुरुआती क्षणों में। शुरुआती क्या ये फर्स्ट हाफ अब अंतिम की ओर बढ़ता हुआ, देखते ही देखते 7 मिनट का खेल पूरा होने वाला है। अंकों की सख्त दरकार और इसी प्रयास फंसे हुए नवापारा मान के खिलाड़ी एक के बाद एक लगातार अंक होते हुए और पीछे से एक बेहतर कॉम्बिनेशन बेहतर टेकल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर मधुबन खुर्द के खिलाड़ी दूसरा क्वार्टर फाइनल के लिए नंगोई और चीज के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। नंगोई वर्सेस चीज दूसरा क्वार्टर फाइनल, जबकि ये पहला क्वार्टर फाइनल मधुबन खुर्द और इस बार सफलता मिली रेडर को नौ पर मान के, तीसरा अंक आया उनके लिए। पहला हाफ बिल्कुल समाप्ति की ओर, ये समाप्त भी होगा पहला हाफ और इसी के सेकंड हाफ शुरू हुआ। ये पहला रेड 12-3 ओवर पर मधुबन खुर्द की ओर से होता हुआ यह रेड। अभी भी इस मैच के बाद भी 6 मुकाबले से इसे और ये नवा पारामान का नंबर 8 जर्सी पहना हुआ रेडर पिछले मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया था इस रेडर ने और यहाँ पर भी आन पड़ी है अपनी टीम के हित में कि वो अच्छा प्रदर्शन करे। अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर मधुबन खुर्द के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा है, कोई भी मौका नहीं रहे हैं विपक्षी टीम को अंक बनाने का। नंबर 4 सूरज रेड करते हुए और यहां पर एंट्री रेड, लेकिन नवा परमान के खिलाड़ी यदि एंट्री रेड करेंगे तो निश्चित रूप से समय निकलता चला जाएगा और वहां पर बराबरी करने का अवसर हाथ से निकल जाएगा। और यहां पर जैसे ही अतिरिक्त प्रयास हुआ मधुबन खुर्द के खिलाड़ी टूट पड़े उन पर और इस तरह से डायरेक्ट सूरज इसमें शिस्त है इस टीम की ओर से दुआ डायरेक्ट करने के लिए। बीच से अंक निकालना चाहते थे अभी भी प्रयास, समय निकलता हुआ और यहाँ पर तो यहाँ पर निश्चित रूप से रेडर थोड़ा सा घायल भी हुए हैं, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता। रेडर से प्रहार तीन 14 के स्कोर पर नौ मारा मांट के लिए रेडर और इस बार तेजी दिखाई रेडर ने।
एक अंक ऐसा रहा हुआ है, चौथा अंक आया नौ पर अमांड के लिए, मनमन खोर्द पहले से 14 पर। समय निकल रहा है और जो जो समय निकल रहा है क्यों क्यों नौ पर मांड के हाथ से ये मुकाबला भी फिसल रहा है। अपनी तरफ से भरसक कोशिश नंबर 8 जर्सी पहने इस रेडर के द्वारा, लेकिन उतने ही चुस्त दुरुस्त फील्डिंग साइड देखने को मिल रही है यहाँ पर मधुबन खुद के खिलाड़ियों की ओर से। सूरज रेड पर है, इस मैच के तुरंत दर्शक प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल लंगोई वर्सेस चीच गत वर्ष की फाइनलिस्ट टीम लंगोई। टीम को मिला और इन दो अंकों ने छह पे पहुंचाया उनके स्कोर को। धीरे धीरे करके अपने अंकों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ पर एक और मौका बन सकता है, और ये दुआ डाई रन करके पच्ची रेडर को फंसाने में कामयाब होते हुए नवा पारा मांड के खिलाड़ी। एक अंक की 7-8 पर पहुंचा नौ पर माउंटेन का स्कोर, लेकिन समय ज्यादा शेष नहीं है, 8 अंकों का अंतर अभी भी बरकरार है। निश्चित रूप से यहाँ पर अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नवा पर अमांड के लिए, लेकिन समय ज्यादा शेष नहीं, गुच्छों में अंक की आवश्यकता रहेगी। टच का दावा, लेकिन नकारते हुए यहाँ पर 9 अंकों के अंतर की भरपाई ऑल आउट देकर ही किया जा सकता है। क्या ऑल आउट दे पाएंगे, कोशिश जारी है अपनी तरफ से भरसक कोशिश नंबर 8 लेकिन फंस गए सुपर टेकल हुआ और इस सुपर टेकल ने अब आशा छीड़ कर दिया है नवा पारा मांड के लिए। उम्मीद की किरण जो थी ऑल आउट देकर के बराबरी पर आने का, ओ छीड़ हो चुका है, समाप्त हो चुका है, धूमिल हो चुका है। 18-9 का स्कोर, 9 अंकों की बढ़त, जबकि अंतिम मिनट में प्रवेश करता हुआ यह मुकाबला। नगोई और चीज के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार रहेंगे। एक और 19-9 का स्कोर, ये अंक लिया यहाँ पर नवा पर मांड के रेडर ने 10वां। अच्छा खेला है अभी तक नवा पर मांड के खिलाड़ियों ने भी, लेकिन मजबूत टीम मधुबन खुर्द की उनके सामने भारी पड़ती हुई, 9 अंकों की बढ़त मधुबन खुर्द के पास। खड़े होते खड़े समय निकलता हुआ और इसी के साथ ये समय समाप्त हो